हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई हम बात करने वाले सौरा 735 एफई के बारे में। तो आप लोग बोलोगे इसमें ऐसा क्या खास है भाई इतने पुराने ट्रैक्टर में, तो मैं बताता हूँ भाई। ये ट्रैक्टर लिया था हमने 1994 में और अभी चल रहे हैं 2021, तो भाई टोटल इसको हो गए 27 साल। और इसमें ना अभी एक भी बार इसका इंजन नहीं बना, ये फर्स्ट टाइम है भाई। जब ये ट्रैक्टर 1994 में लिया था तो ये सिर्फ मात्र ना 1,85,000 में मिलता था, और अब आप लोगों को ये इसमें सेकेंड हैंड भी ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। तो क्या इसमें ये इंजन बनवाना क्या सही होगा या नहीं, हम ये भैया से जानेंगे। या हाँ जी, क्या ये इस समय ये इंजन बनवाना, इतने पैसे इसमें डालना, इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं? नहीं सही है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग हैं ना बहुत सारे 27 साल में अपना ट्रैक्टर खुद बेच भी देते हैं। हाँ, तो ये कम खपत में काम करेगा। हाँ, ट्राली वर्ग के लिए काम अच्छा रहेगा इससे। अच्छा, इसका मेन काम सिर्फ ट्राली खींचना रह गया या सारा काम कर नहीं, सकता नहीं, है सारा काम करेगा ना। अच्छा, टोटल काम करेगा पूरे। क्या पहले से किसानी जो चीज करते चले आ रहे हैं वो तो अभी भी करेगा किसानी तो। अच्छा अच्छा, तो इसमें डीजल कितना खाता होगा? ये नए ट्रैक्टरों से आधा डीजल। तो ये अभी इस ट्रैक्टर में कितना काम हो गया और कितना बचा, क्योंकि अभी तो ये पूरा ये खाली दिख रहा है इधर। ये थोड़ा ही काम बचा उसकी फिटिंग करने का। अच्छा, बाकी सब काम हो गया है, बस इंजन ही इंजन का काम करना था। हाँ, इंजन का काम हो रहा है, इंजन का, पंप का, हेड का। अच्छा, इसका हाफ इंजन बन रहा है मतलब। इसके बाद में शायद ये गेयरबॉक्स वगैरह भी करोगे आप? हाँ, इसका जो और थोड़ा बहुत ऊपरी काम है वो भी करेंगे। अच्छा अच्छा, और इसमें टोटल कितनी कॉस्ट आ जाएगी? इंजन में लग जाएंगे लगभग 30,000 रुपये के लगभग। अच्छा अच्छा, 25 से 30,000। गेयरबॉक्स और पीछे लिफ्ट, इनका कितना खर्चा आ जाएगा? वो खोलने के बाद पता लगेगा उसमें क्या काम है क्या नहीं है, खोलने के बाद पता लगेगा, उसमें भी 2,000-5,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा 40,000 के आसपास में पूरा ट्रैक्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा? लगभग में पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, मतलब छोटे किसान जितने भी है वो पुराना ट्रैक्टर भी अभी ले सकते हैं? हाँ, छोटे किसान जितने भी उनके लिए पुराना ट्रैक्टर ये बहुत अच्छे ट्रैक्टर है। और अच्छे ट्रैक्टर कौन कौन सी कंपनी में आ जाते हैं, थोड़े मतलब जो अपने बजट में भी आ जाए, सेकेंड है? स्वराज है, सोनालिका है, आयशर है। अच्छा, ये नॉर्मल किसानी के हिसाब से अच्छे ट्रैक्टर है। ये पूरी ट्रैक्टर की सर्विसिंग करने में और कितना टाइम लगेगा? इसकी पूरी सर्विसिंग करने में अभी 10-12 घंटे के लगभग का समय वो लगेगा। अच्छा, क्योंकि आपने वो पूरा पार्ट्स तो सारे देखो उधर रखे हुए हैं। हाँ, पूरे पार्ट्स तो खुले हुए हैं सिर्फ, बस बाकी उनकी सर्विस हो गई, बस कसनी ही है उनको। हाँ, उनकी सर्विस पूरी हो गई है, उनको सिर्फ फिट करना है। अच्छा अच्छा, तो भाई अभी सारे इंजन के पार्ट्स को भाई असेंबल करके फिट कर दिया है और अब इंजन का सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब सबसे मेन बचा हुआ ही है ये देखो, इसको पूरे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसके गियर बॉक्स का भी पूरा काम ख़त्म हो गया, मतलब पूरी सर्विस इसकी भी कर दी है। अभी सिर्फ बची है लिफ्ट का काम और ये भी पूरी सर्विस इनकी हो गई है, ये बस इसको भी फिट करना बाकी है। और सबसे टफ था भाई इन दोनों को अलग करना, ये देखो इतना पीछे करके इतना वजन है इनमें, और अब सारी सर्विस हो गई, अब इनको वापस से असेंबल करना। अभी ये लास्ट पार्ट फिट कर रहे हैं। और भैया ये क्या लगा रहे हैं आप अभी? ये रेसिबोन। ये क्या आइटम? ये पैकिंग बनाने का काम करता है। अच्छा, इससे क्या लीकेज वगैरह नहीं होता? कभी लीकेज हो तो वो बंद रुक जाता है। अच्छा, पूरे ट्रैक्टर का अपने काम हो गया है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और ये भैया अभी तक कर रहे थे, तो सारा इंजन का काम हो गया, गियर्स का काम हो गया, हाइड्रोलिक का पूरा काम हो गया, बस सीट लगाना बचा है। और मैं ये भैया से आपको मिलाता हूँ जिन्होंने ये सारे ट्रैक्टर का काम किया है। भैया एक बार अपना नाम बता दो। मेरा नाम है सुनील कुमार गुजर। अच्छा, और आप ट्रैक्टर के अलावा क्या क्या काम करते हो भैया? डीजल गाड़ियों का टोटल का काम करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये भैया महिंद्रा जो पुरानी वाली कार आती थी उसका काम भी सारा कर लेते हैं, तो जिस किसी को भी अगर करवाना हो तो वो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर दे दूंगा। और किसी को अगर आपसे काम करवाना हो तो वो आपसे कहाँ मिल सकता है? रेडगांव बस स्टैंड चौक पे है, भवानी ट्रैक्टर गैरेज के नाम से। अच्छा,
अगर आप रेड गांव के आसपास है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।